नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर से यह बात स्पष्ट होकर निकल आई है कि 2020 में एनडीए का नेतृत्व बिहार में मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करने जा रहे हैं। ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इस पर विस्तार से भी बताने जा रहे हैं कि कैसे एनडीए का क्या प्लान है, कैसे वो 2020 में लॉकडाउन के समय, यानी कि आपको पता होगा लॉकडाउन 5 भी जो है वह 1 जून से उसकी शुरुआत होने जा रही है, 30 जून तक उसकी अवधि रहेगी। आगे क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन लॉकडाउन के समय में भी बीजेपी धुआंधार प्रचार करेगी, एनडीए धुआंधार प्रचार करेगी, और कैसे ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिर बिहार चुनाव को जीतने के लिए एनडीए जो है फिलहाल सक्षम है, मजबूती से चल रही है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमने एक साक्षात्कार देखा है एक निजी चैनल पर, उसमें उन्होंने कुछ मुख्य बातें रखी हैं। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। खास करके महागठबंधन के जो लोग हैं उनको इन बातों को सुनकर झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूती के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाने को तैयार है, नीतीश कुमार को ही नेता मानने को तैयार है एनडीए। तो इसलिए जो बहुत सारी कभी कभार फूट की बातें निकल के आती हैं, उन सभी से जो लोग हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो मंडल कार्यकर्ता हैं मंडल लेवल के, उन सभी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कैसे, जब जानना चाहा कि कैसे आखिर मेंटली तैयार कर पाएगी बीजेपी खुद को, क्योंकि लॉकडाउन के समय में ना तो उतने हेलीकॉप्टर उड़ने वाले हैं, ना ही उतनी रैलियां होने वाली हैं, क्योंकि लोगों का जमावड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिहार का जो चुनाव है इस बार बदला बदला सा दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि हम मेंटली पूरी तरीके से तैयार हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन्होंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी आवश्यकता है, इसलिए जो आविष्कार हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काम हुए हैं, इंटरनेट जो है वो शहरों से ज़्यादा अब गाँवों तक भी काम करने लगा है। शहरों में तो लोग खासकर ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं ही, लेकिन गाँव में भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे सर्वे निकल के आ रहे हैं, गाँव में मंडल लेवल के कार्यकर्ता हो या फिर बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, वो भी अक्सर लिंक मांगते हैं, जो मीटिंग होती है उसका लिंक मांगते हैं कि कैसे हम जुड़ सकें। जो प्रदेश अध्यक्ष अक्सर मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में मीटिंग होती है, उसका भी लिंक मांगते हैं, यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा है उन सभी सुविधाओं से जितने बीजेपी के मंडल लेवल के कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो सभी लैस हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए प्रचार की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 200 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बिहार की ही सिर्फ बात कर रहे हैं तो, और 2000 से अधिक वर्चुअल रैलियां भी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली शामिल है। एक वर्चुअल रैली में 1000 लोग जुटेंगे, तो आप समझ सकते हैं 2000 वर्चुअल रैली होनी है और एक वर्चुअल रैली में कम से कम 1000 लोग जुटेंगे, तो संख्याएं कितनी लोगों की होंगी और कितने लोगों तक बीजेपी पहुंचने में तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनकी जन्मभूमि पटना ही है, वो ये कह रहे थे कि हाँ, हमें इस बात की थोड़ी मन में ही कह सकें तो थोड़ी खलल रहेगी, इस बात का अफसोस रहेगा कि हम राजधानी पटना में आकर उस तरीके से धुआंधार प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो समय चल रहा है, कल 31 मई है, परसों से जून का महीना शुरू होने वाला है, तो यदि अभी कोरोना वायरस की स्थिति नहीं रहती, कोरोना संकट की स्थिति नहीं रहती, तो हम तो अब तक प्रचार शुरू कर चुके होते, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो गाँव तक पहुँच चुका है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। और इंटरनेट यूज़र की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मेंटली तौर पर अगर हम देखें, उन्होंने भी कहा है, तो हमें अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। यह पूरी तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एनडीए के जो नेता हैं, वो इसे अपने मन में बैठा चुके हैं कि कोरोना संकट के दौरान कोई रैली नहीं होने जा रही है। देखिए, इस बात को जब उन्होंने कहा तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के सभी नेताओं के लिए, सभी दलों के लिए ये एक सीख होनी चाहिए कि बीजेपी ये कह रही है कि मंडल स्तर के कार्यकर्ता हों या फिर बूथ लेवल के कार्यकर्ता हों, उन सभी तक इंटरनेट की पहुंच है। क्या आप, जो हम कहना चाह रहे हैं महागठबंधन के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से, क्या आप जो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, हालांकि अब सभी दल चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, क्या आपके मंडल लेवल के और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के पास इंटरनेट की सुविधा है? आपने इस बात को समझा है? क्या वो लोगों तक आपके संदेश को पहुँचाने में सक्षम है या फिर आगे दुविधाएँ आने वाली हैं?
आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम देखें तो भविष्य में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मानवता का भी ध्यान हमें रखना है, लोग स्वस्थ रहें, लोग सुरक्षित रहें, इसका भी ख्याल रखना है। और हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट एनडीए कर रही है और आगे भी करते रहेगी, तो इन सभी चीज़ों से खास करके एनडीए के नेताओं को ये सीख लेना चाहिए कि 2020 में एनडीए जो है वो धुआंधार प्रचार करने को तैयार है। 250 से अधिक रैलियां होंगी, हम 200 से अधिक भी करते हैं, 250 तक भी संख्या जा सकती है और उससे भी अधिक हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की संख्या। वहीं 2000 से अधिक वर्चुअल रैली, फिलहाल जमावड़ा नहीं ले सकता है इसलिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वर्चुअल रैलियां होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली शामिल है और लोगों से सीधा जुड़ने का ये कार्य किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्षों को जितने राज्यों के हैं, क्योंकि बिहार के बाद फिर बंगाल में भी चुनाव होना है, तो सभी प्रदेश अध्यक्षों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा गया है। जिला लेवल तक लोगों तक बातें जाएं, इसके लिए पूरी तरीके से डिजिटल तकनीक का उपयोग करके एनडीए गठबंधन तैयार है और नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार है। महागठबंधन के लोग अब तक कितने तैयार हैं वह उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अगर हम बिहार की बात करें, आरजेडी की बात करें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, मुकेश सहनी की पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उन सभी के जो नेता हैं, क्या उन्होंने तैयारी की है कि बूथ स्तर पर जो उनका कार्यकर्ता बैठा हुआ है उसके पास स्मार्टफोन है, क्या वो लिंक के जरिए जूम ऐप हो या अन्य तकनीकों के जरिए क्या वो जुड़ सकता है अपने अध्यक्ष से। यदि तैयारी नहीं की है तो अभी से महागठबंधन को लग जाना होगा और एनडीए के नेता धुआंधार प्रचार के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के भी दावे किए जा रहे हैं। मजबूत इरादे और बदले बदले कार्यशैली के साथ एनडीए इस बार बिहार में जीतने का दावा कर रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।